एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुरिका। गाइस, इस वीक में मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताऊंगी जो कि आपके जो आप अपनी ब्लड टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। और वो हिडन सीक्रेट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, अपने मेटाबोलिज्म को फास्ट करने के लिए। इवन वो लोग जिम जाते हैं, बहुत ही हार्ड जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते हैं, और अपने हंगर जो उनकी क्रेविंग्स होती है, अपने हंगर होती है उसको भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपनी एपेटाइट को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, बावजूद इसके कि उनका कोई भी वेट लूज जो होता है, इवन 100 ग्राम भी वेट लूज जो है वो देखने के लिए स्केल पर उनको नहीं मिलता है। तो वो लोग जो हैं आज इस वीडियो में मेरे साथ हैं, और मैं उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों नहीं होता है आप लोगों का वेट लूज, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है। तो जो फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बात की थी लेप्टिन रेजिस्टेंस की। लेप्टिन वो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में ही ये होता है, वो टेस्ट है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से स्लो डाउन हो चुका है, और आपकी जो एपेटाइट है वो और ज़्यादा, आपकी एपेटाइट और आपकी हंगरनेस, आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जब हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा अनवांटेड फैट सेल्स जो हैं वो भी हमारी ही गलतियों की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फैट सेल्स होते हैं जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी के चारों तरफ जो है, खासकर बेली एरिया होता है, हिप एरिया होता है, थाई एरिया होता है, इस जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और उस हार्मोन को बोलते हैं लेप्टिन। ये ब्लड के थ्रू आपके हाइपोथैलेमस यानी कि आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि फैट सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं बॉडी में, अब हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कीजिए, प्लस हमारी जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल कीजिए। लेकिन जब ये रैपिडली, जब अगर ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी से अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ना समझ होकर रेगुलर आप उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर बने रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि लगातार आपके जो फैट सेल्स होते हैं वो लेप्टिन को सिक्रीट करते रहते हैं, और आपका जो ब्रेन होता है उसके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, मतलब वो रिसीव ही नहीं करते हैं वो सिग्नल, और आपकी बॉडी के अंदर का जो लेप्टिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उसका जो होता है लेवल होता है 12। यदि आपका ब्लड टेस्ट में लेप्टिन का लेवल जो है वो 12 से अबव है या 12 है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब ये लेप्टिन रेजिस्टेंस जो होता है ये क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं थायराइड पेशेंट के लिए भी यही प्रॉब्लम होता है, और उनके साथ ये भी होता है, कुछ हाइपोथायराइड के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, मतलब वो कहते हैं, मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे जो कहते हैं मैम हमें भूख ही नहीं लगती, हमारा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हम पानी भी पीते हैं तो उससे भी हमारा शरीर काफ़ी फूल जाता है, काफ़ी हम मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए हमें भूख लगती ही नहीं है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी हंगरनेस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी एपेटाइट जो है, उनकी जो क्रेविंग्स है, मीठा खाने की क्रेविंग्स है, फ्राइड फूड खाने की क्रेविंग्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए लेप्टिन का, और इससे आपको पता चलेगा अगर आपकी बॉडी के अंदर 12 से अबव है इसकी रेटिंग तो आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में भी बताई थी, और काफ़ी हद तक मैंने इस पार्ट में भी आप लोगों को समझाया है। जो ये सेकेंड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं भी करवाते हैं तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे कि आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस हो चुका है, एज वेल एज कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स जो कि जनरली डॉक्टर्स हाइपोथायराइड का टेस्ट करवाते हैं, थायराइड टेस्ट करने के लिए आपको बोलते हैं, और उस थायराइड टेस्ट में भी आपके रेंजेस जो है वो नॉर्मल आती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना वजन कम कीजिए, आप अपने आप को अपने खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए जो हो नहीं रहा है, और आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल रेंज है, बट एक हिडन उसके अंदर भी होता है कि आपको थायराइड रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि जब आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका होता है और आपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो लेप्टिन रेजिस्टेंस का के मोड में आ चुकी है। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी जो है, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए,
कितना भी जिम में अपने आप को तोड़ लीजिए, कितनी भी आप मेहनत कर लीजिए, लेकिन आपका जो वेट है वो कहीं भी आगे से पीछे नहीं होता है। आपका वेट जो है वो हमेशा उतना ही रहता है, मतलब वेट लूज नहीं हो रहा है। फर्स्ट सिम्टम इसका ये है। सेकंड सिम्टम जो होता है इसका, वो ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो वेट है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। मतलब आप खाना भी कंट्रोल कर रहे हैं जो कि कर नहीं पा रहे हैं, आप इतनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको अपने वेइंग स्केल पे 100, 200 ग्राम, 300 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली आपको अपना वेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो एक ये सिम्टम इसका होता है। थर्ड सिम्टम जो उसका होता है वो होता है आप मतलब आपने बहुत ज़्यादा एक लार्ज मील लिया है उसके बावजूद भी आपको एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है एकदम से आपको भूख लग गई। मतलब आपने अच्छा खासा खाया है लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है भूख लग गई है, ये भी इसका एक सिम्टम है। और ये सिम्टम बहुत कॉमन है लोगों में कि एक लार्ज मील के बाद जो है उनको 2 घंटे के बाद जो है फिर से उनको भूख लगने लग जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी जो है लेप्टिन रेजिस्टेंस के अंदर आ चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो आता है आपकी बॉडी से जो आपको इंडिकेशन मिलता है, और वो होता है आपकी पूरी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो चुका है। आपकी बॉडी जो है वो स्लगिश हो चुकी है, आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं बची है और जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। मतलब आपका कॉन्स्टिपेशन इशू हो सकता है, आपको ब्लोटिंग जैसा इशू हो सकता है, आपको मतलब आपको अपना ही शरीर काफ़ी भारी लगता है, बैठ जाते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता। मतलब इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो क्रिएट होने लग जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो लेप्टिन रेजिस्टेंस के ही सिम्टम होते हैं। और लास्ट सिम्टम जो आता है, हालांकि ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो थायराइड रेजिस्टेंस के भी होते हैं, लेकिन लास्ट जो सिम्टम आता है वो होता है आपके थायराइड रेजिस्टेंस, थायराइड सिम्टम्स, जैसे कि आपके हेयर लॉस होना और आपका स्किन का जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होना, आपके जॉइंट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाना, और आपके एनर्जी लेवल्स तो नेचुरली आपके लो ही हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इवन अगर आप थायराइड में कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स का टेस्ट भी करवाते हैं तो वो भी आपके जो है काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। आपके विटामिन D3 लेवल डिप्लीट मिलेंगे आपको, आपका B12 लेवल भी डिप्लीट मिलेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये लेप्टिन रेजिस्टेंस के भी होते हैं, और इसी के चलते डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना थायराइड टेस्ट करवाइए। सो थायराइड जो है ना वो आपका नॉर्मल रेंज में दिखाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी ऐसे कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके सारे सिम्टम्स ये बड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनके थायराइड लेवल की बात करें तो वो आपका थायराइड लेवल जो है वो दिखता ही नहीं है, TSH बढ़ा हुआ। तो ऐसा भी जो है देखने में आता है कई बार, तब डॉक्टर्स आपको जो है मेडिकल साइंस में तो यही इसका है कि आपको डॉक्टर्स बोलेंगे अपना खान पान ठीक करो, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करो और अपना वजन कम करो, क्योंकि आपको थायराइड तो है नहीं, लेकिन उनको जो थायराइड रेजिस्टेंस है वो भी क्रिएट हो चुका है। कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे आते हैं जैसे कि आपका जो ये आपका जो यूरिक एसिड है, जबकि थायराइड से रिलेट नहीं करता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड की भी मैं बात करूंगी कि अगर आपका यूरिक एसिड जो है वो 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी जो है वो फ्रुक्टोज को भी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। सब एक सिम्टम ये भी होता है, अगर आपका जो लेप्टिन है वो भी बढ़ा हुआ है, आपका जो यूरिक एसिड है वो भी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपकी बॉडी फ्रुक्टोज क्या होता है वो शुगर जो कि प्लांट से हमें मिलता है वो फ्रुक्टोज होता है, जैसे गन्ने का रस हो सकता है, चीनी हो सकती है, गुड़ हो सकता है, इस तरह के जो शुगर सिरप्स होते हैं, चीनी और प्रोसेस शुगर को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, इवन अगर आप बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें भी ये इंक्लूड होता है फ्रुक्टोज। तो जो फ्रुक्टोज है वो आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है अगर आपके यूरिक एसिड का जो लेवल है वो 5 से ऊपर जा रहा है। तो इसमें कुछ लोग जो इंडिया के अंदर हैं उन लोगों को तो मैं ये दो टेस्ट आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप लेप्टिन का टेस्ट करवाइए और आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाइए, लेकिन जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो लोग अपने RT3 यानी कि रिवर्स T3 का भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका रिवर्स T3 जो है वो 15 से अबव है, यानी कि आपका लेप्टिन भी हाई है, आपका यूरिक एसिड भी हाई है और आपका रिवर्स T3 जो कि हाई नहीं होना चाहिए, अगर आपका रिवर्स T3 हाई है तो जो आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव हार्मोन होता है T3, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी चलती है और सर्वाइव करते हैं हम, तो वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट होने लगता है। तो अगर ये तीनों ही लेवल्स हाई हैं तब तो जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर हैं और आप RT3 का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, आपने सिर्फ 2 टेस्ट करवाए, RT3 का टेस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी कॉस्टली होता है और जनरली लैब्स जो होती हैं वो मना कर देती हैं कि यहाँ पर ये टेस्ट नहीं किया जाता। और अगर आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन हाई है, आपका यूरिक एसिड हाई है, तब आप
थायराइड टेस्ट करवाते हैं, तो थायराइड टेस्ट के भी कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल में आपको दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप उसके अंदर टेस्ट करवा सकते हैं फ्री टी थ्री, फ्री टी फोर, थायराइड एंटीबॉडीज एंड TSH। आपका जो फ्री टी फोर है वो लो है और आपका जो फ्री टी थ्री है वो आपका मिडिल टू हायर रेंज में आता है और आपका जो TSH है वो लोअर टू नॉर्मल रेंज में आता है। अगर ये रेंज आपसे टैली कर रही है तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है थायराइड रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपने जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। तो अगर ये सिम्टम्स आपके साथ मैच करते हैं और ये ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी अगर आपके पास हैं और ये मैच करती हैं आपसे, और जनरली अगर मैं बहुत ही छोटे शब्दों में बोलूँ तो आपके ये सारे सिम्टम्स होने के बावजूद भी आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल रेंज में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस तो है ही, साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड आपका हाई है और इसके साथ आपको जो थायराइड रेजिस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस के, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके किस तरह से कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप इसको पूरी तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। आपकी बॉडी जो लैप्टिन रेजिस्टेंट हो चुकी है, आपकी बॉडी जो है वो लैप्टिन सेंसिटिव हो जाएगी और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई होगा और साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो एपेटाइट है, जो आपकी हंगरनेस है, जो आपकी क्रेविंग्स है वो भी कंट्रोल में आएंगी। तो ये सेकेंड पार्ट है गाइज, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसके साथ में इसमें इसका जो ट्रीटमेंट है, जो उसका सॉल्यूशंस है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।